ये क्वेश्चन पेपर एमकॉम फाइनल एग्जामिनेशन 2021 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पेपर 3 है और टाइमिंग जो दी हुई थी वो 1.5 घंटे की थी और मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 100 मार्क्स के थे। नोट में दिया हुआ है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शंस, तो सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देशानुसार देना है जैसा कि आप देते आए हैं। नोट में दिया हुआ है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 50 वर्ड्स। केवल आपको 5 प्रश्न ही करने हैं, अगर 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उसमें 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो आप देंगे लगभग 50 शब्दों में देंगे, ठीक है। और 5 क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन जो है 4-4 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 20 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन, संगठन से आपका क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एक्सप्लेन पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है डिफरेंशिएट बिटवीन ए वर्क ग्रुप एंड ए टीम, एक समूह एक कार्य समूह और टीम में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट इज द लीडरशिप स्किल्स, नेतृत्व कौशल क्या है। 5 एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, संगठन विकास को समझाइए। 6 व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड, अभिवृत्ति अथवा मनोदृष्टि से आपका क्या आशय है। 7 व्हाट इज गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरण का लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत क्या है। 8 डिस्कस द रेजिस्टेंस टू चेंज, परिवर्तन के प्रतिरोध का आशय स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप, अनौपचारिक समूह अथवा संगठन की विशेषताएं बताइए। व्हाट इज टू वे कम्युनिकेशन, द्विमार्गीय संदेश वाहन को समझाइए। सेक्शन बी दिया हुआ है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ इच क्वेश्चन अबाउट 200 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 25 मार्क्स। तो देखिए केवल आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और जितने भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर आप 200 शब्दों में देंगे, ठीक है। यानी कि 2 क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन का आंसर 2-2 शब्द में देंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 25 नंबर का है, 2 क्वेश्चन है तो 50 नंबर का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए गुड और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक अच्छे संगठनात्मक ढांचे के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। अथवा डिफाइन पर्सनालिटी, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स विच शेप द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, उन प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए जिनसे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, हाउ डज इट इफेक्ट बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस, अभिप्रेरण की संकल्पना को समझाइए। एक व्यक्ति के व्यवहार एवं कार्य निष्पादन को यह किस प्रकार प्रभावित करता है। या अथवा व्हाट इज ग्रुप डायनेमिक्स, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ए गुड लीडर इज नॉट नेसेसरी ए गुड मैनेजर, डिस्कस दिस स्टेटमेंट एंड कंपेयर लीडरशिप विथ मैनेजमेंट। या अथवा व्हाट आर द वेरियस सिचुएशनल फैक्टर्स इन फील्डर्स कंटीजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप, हाउ डू दे इफेक्ट लीडरशिप स्टाइल्स। 5 में दिया हुआ है व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, आर द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट ऑलवेज नेगेटिव, एक्सप्लेन। और अथवा व्हाट डू यू मीन बाई negotiation, how does it help in resolving conflicts. 6 में दिया explain the difference between formal and informal communication, what type of problem do arise in organization because of informal communication. देखिए क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ, मैं केवल इंग्लिश में बता रहा हूँ और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन हिंदी में भी देख सकते हैं। या अथवा डिस्कस द एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर मेकिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिव। सेक्शन सी में दिया हुआ है अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 500 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन इन कैरी 30 मार्क्स। तो देखिए आपको सेक्शन सी में केवल एक क्वेश्चन बनाना है जिसका मार्क्स जो होगा वो 30 नंबर का होगा और इसका आंसर आप 500 शब्दों में देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड्स, हाउ डू एटीट्यूड्स डिफर फ्रॉम ओपिनियन एंड बिलीव्स, हाउ डू एटीट्यूड्स अफेक्ट बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ मोटिवेशन आर कंसर्न विद द नेचर ऑफ पीपल, हाउ डज द जॉब सिचुएशन अफेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी, व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है टीम क्रिएशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड मैनी थिंग हैव टू बी एनालिस्ट बिफोर क्रिएटिंग टीम्स, इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन टीम क्रिएशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 9 है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, लीडरशिप, लाइकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजरियल ग्रिड। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है व्हाट इज रेजिस्टेंस टू चेंज, व्हाई डू पीपल रेजिस्ट चेंज,
are there some organizational factors which resist change? Explain these factors. देखिए सेक्शन सी में केवल आपको एक क्वेश्चन बनाना है, जो भी क्वेश्चन सेक्शन सी में जितने भी दिए हुए थे उसमें से एक क्वेश्चन आपको बनाना है जो कि 30 मार्क्स के थे। तो देखिए ऐसा है कि कोरोना काल चल रहा था, जिसकी वजह से क्या है कि 1.5 घंटे की एग्ज़ाम हुई थी और 100 मार्क्स के थे। इसमें बहुत कम क्वेश्चन करने थे जो कि 1.5 घंटे में आराम से हम लोग बना लिए। तो आई होप इस क्वेश्चन को देखकर आपके आगे की जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी अच्छे से होगी।